त्रिस्तरीय पंचायत के लिए सड़क से लेकर सदन तक आवाज को बुलंद करे। केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जो सुविधाएं दी जा रही है वो सुविधा बिहार सरकार को भी देना पड़ेगा कि हम अपनों के बीच अपना उम्मीदवार भेजेंगे। विधान परिषद चुनाव में महज अब दो दिन बच गए हैं और प्रत्याशी अपने चुनाव अभियान के आखिरी दौर में। अभी हम मौजूद हैं दरभंगा में और दरभंगा में हमारे साथ हैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में RJD के बागी नेता कह सकते हैं लक्ष्मण यादव। लक्ष्मण जी, चुनाव प्रचार के लिए अब बहुत कम समय लग गया है, रह गया है। जिन इलाकों में आप अभी नहीं पहुँच पाए हैं, जिन लोगों से आप संपर्क नहीं ले पाए हैं, उनसे आप आखिरी के कुछ घंटों में कैसे पहुंचेंगे, अपना संदेश देंगे? मैं संपूर्ण दरभंगा जिला त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि से को यही संदेश देना चाहूँगा कि त्रिस्तरीय पंचायत लागू हो, इसके लिए वो अपने बीच से उम्मीदवार को जिता के भेजें जो किसी दल का नहीं हो, न विपक्ष का हो न विपक्ष का हो, वो अपने बीच से उम्मीदवार भेजेंगे जिता करके, तभी त्रिस्तरीय पंचायत का कायापलट हो सकता है। अन्यथा किसी दल के लोग जीते जाते हैं तो त्रिस्तरीय पंचायत जस का तस रहेगा और जो 500 रुपया मानदेय मिल दे रहा है, घोषणा किया सरकार, और वो भी 2 साल से बंद है, उसी प्रकार त्रिस्तरीय पंचायत का धराशाही हो जाएगा और नौकरशाह और विधायिका कुंडली मार्ग कब्जा किए हुए रहेगा। अन्यथा अपने बीच से अपने उम्मीदवार को जिता के भेजे जो त्रिस्तरीय पंचायत के लिए सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ को बुलंद करे और सरकार से उस वाजिब हक त्रिस्तरीय पंचायत का ला करके पंचायत में लागू करें। BJP के भी उम्मीदवार हैं, RJD के भी उम्मीदवार हैं और कई उम्मीदवार यहां पर हैं। आप किन से अपनी टक्कर मान रहे हैं या किनको आप चुनौती दे रहे हैं? यहां जो भ्रमण के दौरान, जनसंपर्क के दौरान मुझे मिला कि हमारी लड़ाई में कोई दल के लोग हैं ही नहीं, न BJP के लोग हैं न राजद के लोग हैं। हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं वो डिसीजन कर चुके हैं कि हम अपनों के बीच अपना उम्मीदवार भेजेंगे जो हमारी लड़ाई को सदन स्तर तक पहुंचाएगा और हमारा हक ला के देगा। आपकी अगर जीत होती है तो एक वादा आप क्या जनता से करना चाहेंगे, जो वोटर हैं उनसे करना चाहेंगे, जो आप पूरा करेंगे सबसे पहले? जी, मैंने कहा है कि अगर हमको जिता के भेजते हैं, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि हमको जिता के भेजते हैं, तो निश्चित रूप से शुरू से लेके अंत तक जब तक त्रिस्तरीय पंचायत लागू जमीन पर नहीं हो जाता है, सरकार लागू नहीं हो जाता है, तब तक हमारा निरंतर लड़ाई जारी रहेगा और ये केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जो सुविधाएं दी जा रही है वो सुविधा बिहार सरकार को भी देना पड़ेगा और ये हक लेके रहेंगे। ये थे लक्ष्मण यादव, उनको कहना है कि जो जनप्रतिनिधियों का जो अधिकार है, जो हक है, उनको मिले, उनको लेकर ये उनका अभियान जारी रहेगा। उसी आधार पर ये वोटरों से वोट भी मांग रहे हैं। कैमरामैन W के साथ मनीष आनंद, दरभंगा। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।